हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूजीसी प्लगइन। मैं हूं जन्नत और आज मैं आपके लिए अगेन एक रिक्रूटमेंट बेस्ड वीडियो लेकर आई हूं, यानी कि लेटेस्ट वैकेंसीज आउट हुई हैं चंडीगढ़ के अंदर इन द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन सी पोस्ट हैं, कितनी पोस्ट हैं, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड फुल वीडियो आप सुनिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से निकाल के बताऊंगी कि किस तरीके से क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या आपके लिए एलिजिबिलिटी रहेगी। सो लेट्स सी द रिक्रूटमेंट्स जो आउट हुई हैं, काफ़ी सारी वेकेंसीज हैं। तो ये है हमारी नोटिफिकेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट। तो पहली जो हमारी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो पोस्ट है, नंबर नेम ऑफ द पोस्ट है जो हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है, जो कि एक फीमेल के लिए है स्पेशली। सो जितने भी फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसके लिए एक 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 ही पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट इज़ वन ओनली। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो कोई भी जो है किसी भी यूनिवर्सिटी से जो वुमेन है वो MA इन लॉ यानी LLM या फिर सोशल वर्क के अंदर मास्टर्स चाहिए, सोशोलॉजी के अंदर या सोशल साइंस या साइकोलॉजी के अंदर, विद एटलीस्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन विमेन रिलेटेड रेलिवेंट डोमेन्स इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विद अ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। तो अगर आपने किसी भी कंपनी के साथ विमेन वेलफेयर के ऊपर या विमेन से रिलेटेड किसी चीज़ के ऊपर 5 साल तक किसी प्रोजेक्ट में काम किया है, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट के अंदर चलेगा, तो साथ में आपकी जो मास्टर्स हैं जिन एरियाज में मैंने अभी बताया है वो आपको रिक्वायर्ड रहेंगी इस पोस्ट के लिए। शी शुड बी प्रेफरेबली अ रेजिडेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, यानी कि वो चंडीगढ़ के आसपास की, चंडीगढ़ की होनी चाहिए। ठीक है, एंड एक्सपर्टाइज इन एक्सपर्टीज इज यूटिलाइज फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द सेंटर। तो उनके मतलब इस फील्ड के अंदर उनका पूरा एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। देन इसमें एज जो है, एज बार यहाँ पे 18 to 37 years रहेगी और 36,453 जो है यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी रहेगी और वॉक इन इंटरव्यू होगा इसका, जो कि 1 अगस्त को रहेगा, यानी वेरी नियर अबाउट। ओके, देन नेक्स्ट वन इज सेकेंड जो आपकी यहाँ पे है वैकेंसी, दैट इज़ फॉर कॉल ऑपरेटर। ये भी फीमेल ही चाहिए है विमेन हेल्पलाइन के लिए। यहाँ पे 7 वैकेंसीज हैं, तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आती है और ये कोई भी फिल कर सकता है आप में से। सो ग्रेजुएट चाहिए, सिंपली ग्रेजुएशन आपको होनी आपकी होनी चाहिए, आपको हिंदी इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, यानी आपका गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए इन लैंग्वेजेस के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे एज बार जो है वो 18 to 37 years की चाहिए है एंड 25,389 रुपीज़ जो है स्टार्टिंग सैलरी रहेगी एंड वॉक इन इंटरव्यू होगा सेम डेट पर, यानी 1 अगस्त को। देन तीसरी जो यहाँ पे पोस्ट है वो IT सुपरवाइज़र की चाहिए, जिसके रिगार्ड जो कि UTCPS का है एंड इसमें एक ही पोस्ट है जिसके लिए आपको ग्रेजुएट विद एटलीस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स या फिर IT का कुछ भी डिप्लोमा आपको आपका चलेगा। ठीक है, यानी कि या तो कंप्यूटर्स में डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है या IT में कोई भी अदर डिप्लोमा आपने किया हुआ है, या फिर मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस आपका डेटा मैनेजमेंट, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, वेब बेस्ड रिपोर्ट फॉर्मेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन सब के ऊपर आप चाहे कहीं भी आपने प्राइवेट भी अगर काम किया है तो वो 3 साल का जो है आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आएगा। देन इसकी एज बार भी सेम है, 18 to 37 है और इसमें जो है कोई मतलब ओनली नॉट फॉर ओनली वेमेन्स। देन इसके लिए जो आपके पे स्केल है वो 30,189 रुपीज़ स्टार्टिंग रहेगी एंड वॉक इन इंटरव्यू होगा ऑन द सेम डेट विच इज 1st of August। देन रहेगा हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन एक ही पोस्ट है और क्वालिफिकेशन चाहिए है LLM चाहिए या फिर सोशल वर्क में मास्टर्स या फिर सोशोलॉजी में मास्टर्स, सोशल साइंस में मास्टर्स, साइकोलॉजी मास्टर, इनमें से कोई भी मास्टर्स चलेगा, प्लस आपका 5 years ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी चाइल्ड रिलेटेड रेलिवेंट डोमेन के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट हो। एटलीस्ट प्रेफरेबली 1 year ऑफ एक्सपीरियंस आपका चाहिए काउंसलिंग के अंदर, आइदर विद इन और आउटसाइड द सेम सेटअप, यानी काउंसलिंग आपने कहीं और
भी अगर की हुई है और 5 साल का एक्सपीरियंस अगर आपका कहीं और भी है तो भी चलेगा, बट अगर वो सेम ही जगह है तो भी आपका चलेगा. देन ही और शी शुड हैव शी शुड बी प्रेफरेबली अ रेजिडेंट ऑफ लोकल, और हमें चंडीगढ़ का ही कैंडिडेट्स उनको चाहिए. देन 18 to 37 ईयर्स ऑफ एज यहाँ पे रहेंगी क्राइटेरिया. देन जो एज जो सैलरी बार है वो 36,453 स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, और वॉक इन इंटरव्यू रहेगा 1 अगस्त. देन फिफ्थ जो वैकेंसी है वो है कॉल ऑपरेटर की, जिसके लिए 7 वैकेंसीज हैं, यानी 7 पोस्ट हैं वेकेंट. एंड ग्रेजुएट चलेगा, कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, बस सिंपली आपको ग्रेजुएशन आपकी चाहिए. एंड ही और शी शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश या उनकी रीजनल लैंग्वेज जैसे पंजाबी या जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसके अंदर आपका अच्छा जो है कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए. इसके लिए भी एज बार 18 to 37 ईयर्स ही है, और प्लस इसमें जो सैलरी है वो 25,389 रुपीज़ रहेगी स्टार्टिंग. एंड 1 अगस्त को इसका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा. तो हम यहाँ पे फर्दर जस्ट ये आपका जो नोटिफिकेशन है उसके लिए आप इस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के अंदर मतलब अप्लाई कर सकते हैं. दे शैल री मतलब जब आपको वॉक इन इंटरव्यू में जाना है, यहाँ पे ये एड्रेस आपको गिवन है, ठीक है, कौन सा, कि वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर आशा किरण सेक्टर 46D चंडीगढ़ के अंदर ये वॉक इन इंटरव्यू है 1 अगस्त को बिटवीन 9:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक आपको वहाँ पे रीच आउट करना है. एंड अलॉन्ग विद द कम्प्लीट बायोडाटा, आपकी जितनी भी फाइल्स हैं डॉक्यूमेंट्स हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज चाहिए उनकी, ठीक है, एक फोटोग्राफ चाहिए आपको, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके सारे यहाँ पे लगेंगे. ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपीज लेके जाइए, प्लस आपकी पासपोर्ट साइज एक फोटो लेके, एक नहीं कई फोटोज आप लेके जाइए. एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज चाहिए होंगी आपके डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, आप वो तो सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं. देन यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं. सेम इसी वेबसाइट पर जाकर रिक्रूटमेंट्स के ऑप्शन में ही ये नोटिफिकेशन खुलेगी. आप इस पूरे फॉर्म को फिलअप कर कर वहाँ पर लेकर जाइए, एंड प्लस अपने डॉक्यूमेंट्स को इनके साथ अटैच कीजिए, ठीक है, और वहाँ पे पहुँचिए और अपना इंटरव्यू जो है वो दीजिए. सो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कोई भी 2 पोस्ट ऐसी जिनके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है. अदरवाइज जो सोशोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, जो लॉ बैकग्राउंड से हैं, उनमें से कोई भी अप्लाई कर सकता है. एंड वुमेन यू हैव एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी ओवर हियर, क्योंकि वो लिमिटेशन है कि वुमेन को ही अप्लाई करना है. 2 हेल्पलाइन की पोस्ट हैं, वुमेन हेल्पलाइन की. तो जल्दी से इसको जो है आप अप्लाई कीजिए. गो अहेड, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर.